जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे आपकी जो वैकेंसी निकली है FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा से वॉचमैन पोस्ट की आपकी वैकेंसी निकली है। इसके आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, एक एक करके मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा आपकी वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिस 1/2021 हरियाणा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट वॉचमैन की है, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉचमैन की पोस्ट है, स्केल पे आप देख सकते हैं 23,300 से लेकर 64,000 है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इनवाइट किया गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी, पोस्ट वॉचमैन मैनिंग पोस्ट रिपोर्ट आपका ऑफिस स्प्रिट ऑल ओवर हरियाणा स्टेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। यहाँ पे आपको जो है एलिजिबल कैंडिडेट हैं उसके लिए आपको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपको नीचे दी गए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, आपको नीचे डिटेल दे रखी है आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं मिनिमम एज दे रखी 1/9/2021 के अनुसार 18, 1/9/2021 के अनुसार मैक्सिमम आपकी 18 से 25 वाले जो कि 1/9/2021 वो अप्लाई कर सकते हैं। ST आपके SC कैंडिडेट के लिए 72, ST यहाँ पे 0, OBC 102, इकोनॉमी सेक्टर 38, UR कैटेगरी में 168, टोटल 380 पोस्ट है, ठीक है। फिजिकल डिसेबल के यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, टोटल यहाँ पे 15 है और 93 है आपकी आपका एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। उनके बारे में यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट दे सकते हैं। आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रही है 1/9/2021 के अनुसार वॉचमैन की 8वीं क्लास आपका पास हो, या आप देखते हैं आप जो एक्स कंट्रोल सिक्योरिटी गार्ड है 5वीं स्टैंडर्ड पास हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं आपका वो है कम्पीट पोजेस क्वालिफिकेशन 1/9/2021 का और ओनली टू अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, केवल ध्यान रखना है, ठीक है। नो प्रिंटेड हार्ड कॉपी आपको सेंड नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन का आप देख सकते हैं 1/9/2021 के अनुसार आपको एज रिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल आपका टेस्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनके डिपार्टमेंट एम्प्लॉई है तो मैक्सिमम एज 50 यहाँ पे आपको दे रखी है, ठीक है। आपको देख सकते हैं 10 साल का फिजिकल डिसेबल है, यहाँ पे 15 साल फिजिकल डिसेबल SC कैंडिडेट है, SC है, OBC आपका फिजिकल डिसेबल 13 साल OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट रिसीट आपकी जो ऑनलाइन की 19/11/2021 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है आपकी ग्रुप सी और डी रेगुलर बेसिस पे है आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो रेगुलर बेस पे वैकेंसी है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन के डिफाइंड आपको कर रखा है कौन कौन है, तो यहाँ पे आप देखते हैं एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड के लिए मैक्सिमम जनरल कैटेगरी आपको दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका सिक्योरिटी गार्ड आपको सैलरी 54/31/5/2022 के अनुसार, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पैटर्न और रिटन टेस्ट होगा जनरल कैंडिडेट का, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और अदर देन एक्स आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड का। रिटन एग्जामिनेशन पेपर होगा 90 मिनट का, यहाँ पे देख सकते हैं। रिटन टेस्ट विल बी आपका कंप्राइज 120 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं पैटर्न और रिटन टेस्ट दे सकते हैं फॉर एक्स आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी गार्ड का। रिटन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 90 मिनट, द रिटन टेस्ट आपका होगा कंप्राइज 120 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट एबिलिटी द कैंडिडेट द बेसिस ऑफ का अर्थमेटिक जनरल नॉलेज आपको दे सकते हैं, अप्रिटेनिंग ऑफ द बेसिक आपका न्यूमेरिक्स स्किल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन बेसिक आपका रहेगा जनरल नॉलेज, डिस्ट्रिक्ट अवर कंट्री ओनली बेसिस इंग्लिश, ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन और पार्ट ऑफ स्पीच आदि, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रखा गया है, यहाँ पे आपका जो कंबाइंड होगा जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रॉ स्कोर मार्क ऑप्टेन बाई कैंडिडेट, ठीक है। ऑल यहाँ पे देख सकते हो, ऑल आपके क्वेश्चन 1 मार्क का और नो नेगेटिव मार्किंग होंगी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर होगा रिटन आपका होगा, टेस्ट विल भी होगा अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, 2 भाषाओं में होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट 1000 मीटर 18 से 30 आपको दे रखी है, तो 300 आपको देख सकते हो 330 सेकेंड में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 मीटर 800 मीटर 225
आपको 255 सेकंड में फीमेल एज के अनुसार, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। आप 30 से 35 की एज में ग्रुप में आते हैं मेल फीमेल के लिए, यहाँ पे 370 यानी 370 सेकंड में और 300 सेकंड में फीमेल के लिए, 35 से 40 में 409 सेकंड और फीमेल के 345, 40 से 45 एज में है तो 440 सेकंड, 390 सेकंड, 45 से 50 में 471 और 435, 50 से ऊपर है 497 और 480 सेकंड का आपको दे रखा है रनिंग का 1800 मीटर के लिए, ठीक है। लॉन्ग जंप के लिए जैसे 3 अटेम्प्ट रहेंगे, यहाँ में मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए एज वाइज ब्रेकअप है 18-30 के 3.95, 2.74, 30 से 35 3.80, 2.60, 35 से 40 3.65, 2.45 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 से 45 3.5 और 2.3 मीटर, ठीक है। 45 से 50 3.35, 2.15 मीटर और 50 से ऊपर 3.20 और 2 मीटर आपका रखा जाए। हाई जंप क्वालिफाइड एंड 3 अटेम्प्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका मेल फीमेल के लिए 18-30 1.14 आपका 0.9 मीटर और 30 से 35 1.10 8. आपका 5 मीटर फॉर फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। 35 से 40 के लिए 1.05 8.0, 40 से 45 1. आपका मीटर और 75 आपका मीटर 0.75, ठीक है। 45 से 50 0.95 आपका मीटर 0.70 आप यहां पे दे सकते हैं और 50 के लिए 0.9590 मीटर और 65 आपका मीटर रखा गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। यहां पे आपको दे सकते हैं एफसीआई रिजर्व टू राइट आपका इंट्रोड्यूस एडिशनल रिटन एग्जामिनेशन स्क्रीन टेस्ट कंप्लीन आपका जो सर्कमटेंस स्क्रीन कैंडिडेट बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फिजिकल ड्यूरेस्टेंस 1/3, एक वैकेंसी 3 लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। फिजिकल ड्यूरेस्टेंस क्वालिफाई नेचर होगा केवल, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वालिफाई नेचर के अनुसार ही यहाँ पे लिया है। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी बेस आपका रिटन टेस्ट सब्जेक्ट क्वालिफाई द फिजिकल ड्यूरेस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि क्वालिफाई करेंगे फिजिकल ड्यूरेस्टेंस उनके यहाँ पे अब मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। ओनली दोज कैंडिडेट फिजिकल ड्यूरेस्टेंस विल बी कंसिडर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम आपका रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन अलॉन्ग द आई विजन टेस्ट विल बी ब्रॉट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आपको देखिए आपको सिविल लेके आना है सिविल सर्जन से, ठीक है। ये आपका आई टेस्ट होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट फॉर आपका जो है एग्जम्प्ट रहेंगे, ठीक है। फिजिकल जो फिजिकल डिसेबल्ड लोग हैं, बाकी आप देख सकते हैं आपका जो क्वालिफाई मार्क रहेगा 40% रहेगा। कैंडिडेट डू नॉट एक्वायर 40% वो यहाँ पे रिटन टेस्ट को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस थी जहाँ पे दे सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो अदर क्वालिफिकेशन एक्सप्रेसली मेंशन जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वुड बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो रिटन टेस्ट होगा वेन्यू एग्जामिनेशन ईच कैंडिडेट विल डाउनलोड, इसकी आपकी वेबसाइट से यहाँ पे कर सकते हैं। 15 डे प्रियर ऑफ एग्जामिनेशन ऑनवर्ड आपका एडमिट कार्ड होगा, रिटन टेस्ट होगा विल बी आपको यहाँ पे देख से सेंड नहीं किया जाएगा, आपके ईमेल के माध्यम से मिलेगा, ठीक है, दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, यहाँ पे देखिए इसमें बता रखा है स्पीड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, आपको अपना डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए ईमेल या पोस्ट ऑफिस यहाँ पे किसी स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखते हैं इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए तो इसके बारे में दे रखा है, बाकी आप यहाँ पे आप डिटेल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगी और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन भी कंसिडर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसमें आपको दे सकते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओएमआर सीट रहेगा, ठीक है। प्रोवाइड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर ओएमआर सीट रहेंगी, फिर आपको दे सकते हैं जिसको ब्लू या ब्लैक पेन से आपको फिल करना है, ठीक है। बाकी आप अन्य डिटेल है वो यहाँ पे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इनके बारे में दे रखा है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, आपकी 250 रुपये है, ठीक है, जो कि आपकी SBI इंटरनेट बैंकिंग या आप अदर जो देख सकते हैं मेजर बैंक है आपको इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ई चालान से भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो ना कॉल लेटर को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं आपको कॉल लेटर शुड बी रजिस्टर दे रखे आपको, ये आपको दे रखे ईमेल लास्ट 1 वीक बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड आपकी जानकारी जो मैंने बता दी है, यहाँ पर आपको दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के पार्ट के बारे में बता रखा है, यहाँ पे किस तरीके से भरना है। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा मैं आप लोगों को उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। आप चाहें यहाँ पढ़ सकते हैं, आपको कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर हेल्प करूंगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी।
तो आपकी निकली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से निकली, हरियाणा में निकली। हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े। यह वीडियो आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सपोर्ट करें हमारे चैनल को प्लीज गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।